Hello and welcome everyone to our channel Z2I Tutorials. For those who are new, I am Salman Ahmed and I did my M.Tech from IIT Dhanbad and I have more than 6 years of experience. Today is our second lecture of the number system of class 9th. लास्ट लेक्चर में हमने रेशनल नंबर के बारे में पढ़ा था कि रेशनल नंबर को हमने कैटेगराइज किया था दो टाइप में, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग दैट इज रिकरिंग डेसिमल नंबर। आज हम लोग रेशनल नंबर के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे। आज का टॉपिक हमारा क्या है कि हमें कोई भी रेशनल नंबर दिया है, उस रेशनल नंबर को नंबर लाइन दैट इज रियल नंबर लाइन पे हमें रिप्रेजेंट करना है। वी हैव टू रिप्रेजेंट द रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। कैसे करेंगे वो यहाँ देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे क्वेश्चन बोला गया कि लेट्स से वी हैव टू रिप्रेजेंट 2/5 ऑन द नंबर लाइन, पहले एक चीज ये जान लिए कि अगर पहला बात ये एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, सेकेंड वन इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड थर्ड वन इज मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, प्रॉपर में क्या होता है, प्रॉपर में जो न्यूमरेटर होते हैं वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल 2/5। इम्प्रॉपर में क्या होते हैं, द डिनोमिनेटर इज लेस देन द न्यूमरेटर, दैट इज 5/2। ठीक है, और मिक्स फ्रैक्शन में क्या होता है, मिक्स फ्रैक्शन में एक होल नंबर और एक प्रॉपर फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन होता है, फॉर एग्जाम्पल 2 होल 2/5, दिस इज होल नंबर एंड दिस इज प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं इस पर क्लियर होगा। अब बात ये है, जितने भी प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं, जितने भी, वो सारे प्रॉपर फ्रैक्शन 0 और 1 के बीच में लाई करते हैं, दैट मीन्स डेसिमल नंबर तो आएगा ही। अच्छा, वो फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, डेसिमल में आएगी, किसके बीच में, लाइन बिटवीन 0 एंड 1, जो भी होगा वो 0 से बड़ा होगा और 1 से, ये जो भी वैल्यू होगी वो 0 से बड़ी होगी और 1 से छोटी होगी प्रॉपर फ्रैक्शन में। इम्प्रॉपर क्या है, इम्प्रॉपर जब मेरा डिनोमिनेटर स्मॉल है न्यूमरेटर से तो वो नंबर बड़ी हो सकती है। ठीक है, तो जब भी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे, तो हम कोशिश ये करते हैं कि जो हमारा फ्रैक्शन हो वो प्रॉपर फ्रैक्शन में हो या तो मिक्स फ्रैक्शन में हो जाए। ठीक है, इम्प्रॉपर अगर मुझे दिया हुआ होगा तो उस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को पहले हम कन्वर्ट करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में, उसके बाद रिप्रेजेंट करेंगे। ये बेसिक चीज़ें हैं, ये मैंने बता दिया। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। वी हैव टू रिप्रेजेंट 2/5। 2/5 कैसा फ्रैक्शन है, मुझे क्लियर दिख रहा है कि दैट टू द न्यूमरेटर इज स्मॉलर दैन द डिनोमिनेटर, दैट मीन्स दिस इज द प्रॉपर फ्रैक्शन, इसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। ठीक है, क्लियर है, तो इसको हम नंबर लाइन पर, रियल नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो क्या इसका स्टेप क्या है वो देख लो, कि जो फ्रैक्शन होता है उसके जो डिनोमिनेटर होते हैं उसे क्या बोलते हैं, हम उसे बोलते हैं हम होल। फ्रैक्शन क्या होता है, पार्ट ऑफ अ होल, ये होल है और ये क्या है, पार्ट। तो टोटल कितने होल हैं, टोटल कितने पार्ट्स यहाँ पर हैं, 5 पार्ट्स, और मुझे पता है कि वो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, तो पहली बात तो टोटल कितने पार्ट्स हैं, 5, तो 1 2 3 4 कितने पार्ट्स हो गए, 5 पार्ट्स। अब इस 5 पार्ट्स में पहला पार्ट क्या होगा, ये तो क्या है, दिस इज नथिंग बट 0/5। पहला पार्ट क्या होगा, 1/5, सेकेंड 2/5, 3/5, 4/5, और ये क्या है, दिस इज नथिंग बट 5/5। ठीक है, तो इजिली अब हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 2/5 को, वेयर दिस इज 2/5। सेम केस, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ लेट से नेगेटिव में, लाइक लेट से इट इज गिवन एज -4/7, बस ये पॉजिटिव था, ये क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, इट विल लाइज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द 0। ठीक है, लेकिन माइनस डिनोट करता है कि ये 0 के लेफ्ट साइड में जाएगा, लेकिन माइनस के साथ कौन सा फ्रैक्शन है, 4/7, दैट इज इट इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसके मतलब इसकी वैल्यू कहाँ लाई करेगी,
जीरो और माइनस वन के बीच में, अगर पॉजिटिव होती तो जीरो और वन के बीच में लाई करता, और अगर माइनस है तो जीरो और माइनस वन, सिर्फ प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। तो क्या करेंगे, हमें पता है कि माइनस है तो ये होगा जीरो वन टू, ये राइट साइड हो गया, लेकिन मेरा वैल्यू जो होगी जीरो और माइनस वन के बीच में आएगी। टोटल कितने पार्ट्स हैं, टोटल है सेवन पार्ट्स, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, कितने पार्ट्स हो गए, सेवन पार्ट्स हो गए। ये जीरो है, टोटल कितने पार्ट, सेवन, मतलब कि जीरो बाई सेवन, वन बाई सेवन, जीरो बाई सेवन, माइनस वन बाई सेवन, माइनस टू बाई सेवन, माइनस थ्री बाई सेवन, माइनस फोर बाई सेवन, माइनस फाइव बाई सेवन, माइनस सिक्स बाई सेवन, एंड देन माइनस सेवन बाई सेवन, दैट इज माइनस वन। ये क्या है, दिस इज नथिंग बट माइनस सेवन बाई, दैट इज माइनस वन, ठीक है। तो इन सब में मुझे क्या चाहिए था, माइनस फोर बाई सेवन, सो माइनस फोर बाई सेवन मेरा यहाँ पर है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन जो है वह बहुत ईजी है, ठीक है, वो हमेशा अगर पॉजिटिव हुआ तो जीरो वन, जीरो और वन के बीच में लाई करेगा, और अगर नेगेटिव हुआ तो जीरो और माइनस वन के बीच में वो लाई करेगा। ये प्रॉपर फ्रैक्शन में ये ईजी था, कोई भी फ्रैक्शन हो अगर डिनोमिनेटर बड़ा हुआ न्यूमरेटर से तो वो ऑब्वियस सी बात है कि जीरो और वन या जीरो और माइनस वन के बीच में वो लाई करेगा। कैसे करेंगे, जितने पार्ट्स डिनोमिनेटर में होंगे उतने पार्ट्स कर लेंगे और रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है, क्लियर हो गया। सो आवर नेक्स्ट स्टेप इज टू रिप्रेजेंट व्हेन एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और अ मिक्स फ्रैक्शन इज गिवन। अगर प्रॉपर नहीं दिया है, या तो इम्प्रॉपर दिया होगा या तो मिक्स दिया होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पहले हम बात करते हैं मिक्स फ्रैक्शन को लेकर। अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है लेट्स से टू होल थ्री बाई एट, मिक्स फ्रैक्शन कभी भी होता है तो उसके फ्रंट में होता है होल नंबर और साथ में होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, मतलब न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर, ये हमेशा होगा मिक्स फ्रैक्शन में। अगर इस तरह के नंबर को अगर हमें रिप्रेजेंट करना होगा तो ये क्या बताता है, दिस नथिंग बट टू प्लस थ्री बाई एट, दोनों सेम चीज है, ठीक है। इसका मतलब जो चीज हम लोग जीरो से स्टार्ट कर रहे थे उसने पहले ही कह दिया कि दो एक्स्ट्रा है, तो जीरो में दो एक्स्ट्रा मतलब टू तक तो वो ऑलरेडी पहुंच चुका है, टू पहुंचने के बाद थ्री बाई एट। अब जब टू पहुंच गया है तो टू और उसके बाद ये जो आएगा क्या आएगा, डेसिमल में आएगा, जीरो पॉइंट समथिंग आएगा, तो टू पहुंचने के बाद टू और थ्री के बीच में ये नंबर लाई कर जाएगा। तो सिंपल सी बात है, ये टू बताता है कि स्टार्ट विद द टू, अगर ये नहीं होता तो स्टार्ट कहाँ लाई करता, जीरो और वन के बीच में। टू ऑलरेडी है मेरे पास, टू होल नंबर है, मतलब कि स्टार्ट विद द टू, दो डिजिट मेरे पास, दो यूनिट पहले से है। अब टू के बाद थ्री बाई एट करना है, और मुझे पता है थ्री बाई एट क्या होता है कि या तो इसकी वैल्यू जीरो और वन के बीच में लाई करेगी पॉइंट में, इसका मतलब टू और थ्री के बीच में वो लाई कर जाएगा। टू तक पहुंच चुके हैं और ये वैल्यू टू के बाद और टू और थ्री के बीच में लाई करेगा। अब सेम मेथड है, इसमें टोटल कितने पार्ट्स हैं, एट पार्ट पहले कर लेते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, टोटल एट पार्ट हो गए। इसमें पहला पार्ट क्या होगा, स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग टू से, तो पहला पार्ट क्या होगा, ये कितना है, टोटल एट पार्ट्स है ना, तो पहला पार्ट यहाँ पर क्या होगा, ये टू है, टू होल वन बाई एट, दिस विल बी टू होल वन बाई एट, टू होल टू बाई एट, टू होल थ्री बाई एट, ये है टू होल फोर बाई एट, दिस वन इज टू होल फाइव बाई एट, दिस वन इज टू होल सिक्स बाई एट, दिस वन टू होल सेवन बाई एट, और लास्ट में क्या हो जाएगा, टू होल एट बाई एट, दैट इज थ्री, टू होल एट बाई एट, एट बाई एट मीन्स वन, टू प्लस वन थ्री, ये टू क्या है, टू होल जीरो बाई एट, दैट मीन्स टू प्लस जीरो, दैट इज टू। तो इसमें से हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए टू होल थ्री बाई एट, दैट मीन दिस विल बी योर आंसर। तो अगर मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ होगा तो मिक्स फ्रैक्शन में हम लोग जो होल नंबर है वहां से स्टार्ट करेंगे और उस होल नंबर और उसके नेक्स्ट वाले इंटीजर के बीच में हमारा ये फ्रैक्शन लाई कर जाएगा, बाकी सब सेम मेथड है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर ये नेगेटिव में दिया हुआ है, लेट्स से इट इज गिवन एज माइनस फोर होल थ्री बाई फाइव, नेगेटिव शो कर रहा है कि इट विल लाई ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द जीरो, बाकी फोर होल थ्री बाई फाइव हमें पता क्या है, ठीक है। ये क्या बता रहा है, माइनस का मतलब नेगेटिव साइड जाइए, ये मान लो कि मेरा जीरो वन, सॉरी जीरो वन टू दिया हुआ है, इसने कहा क्या बोला कि माइनस फोर पर पहले जाओ,
पहले चलो माइनस फोर प्लस माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री एंड माइनस फोर। माइनस फोर जाने के बाद थ्री बाई फाइव, तो माइनस फोर पे जाने के बाद थ्री बाई फाइव का मतलब हो गया कि दैट विल लाई बिटवीन माइनस फोर एंड माइनस फाइव। ऐसे हो रहा है ना, हम लोग इधर घट रहे हैं वैल्यू, तो माइनस होल माइनस फोर तक, माइनस फोर तो कंप्लीटली जाएगा होल नंबर, सॉरी होल नंबर बोल रहा हूँ, माइनस फोर माइनस बता रहा है कि वो नेगेटिव होगा, उसके बाद फोर एक होल नंबर है, माइनस नेगेटिव एंड देन फोर इज द होल नंबर। तो फोर पर पहले पहुंच गए हम लोग, माइनस साइन है, और उसके बाद थ्री बाई फाइव। थ्री बाई फाइव क्या होता है, दो इंटीजर के बीच में, दो कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर के बीच में वो लाई करेगा, क्योंकि ये क्या है, दिस इज योर प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। तो माइनस फोर और माइनस फाइव के बीच में लाई करेगा। अब टोटल कितने पार्ट्स हैं, फाइव, तो क्या करेंगे, वन टू थ्री फोर, फाइव पार्ट्स हो गए। पहला पार्ट क्या होगा, माइनस फोर है, तो ये क्या होगा, माइनस फोर होल वन बाई फाइव, दिस वन माइनस फोर होल टू बाई फाइव, दिस वन माइनस फोर होल थ्री बाई फाइव एंड दैट माइनस फोर होल फोर बाई फाइव। माइनस फोर का मतलब क्या होता है, माइनस फोर का मतलब होता है माइनस फोर होल जीरो बाई फाइव, दैट मीन माइनस फोर, ये क्या होगा, माइनस फोर होल फाइव बाई फाइव, तो कितना हुआ, माइनस फाइव बन गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसमें मेरा आंसर क्या बोला है, माइनस फोर होल थ्री बाई फाइव, दैट विल बी योर आंसर, ठीक है। तो पॉजिटिव नेगेटिव से बताता है कि हमें जीरो के राइट साइड में रहना है या जीरो के लेफ्ट साइड में। अगर पॉजिटिव हुआ तो जीरो के राइट साइड में, और अगर नेगेटिव हुआ तो जीरो के लेफ्ट साइड में। टू बताया कि पहले टू से स्टार्ट करो, माइनस फोर, माइनस में जाओ, फोर से स्टार्ट करो, और उसके बाद कौन सा आता है, फाइव, तो माइनस फोर और माइनस फाइव के बीच में लाई करेगा। कितने पार्ट्स हैं, बाकी सारा मेथड सेम है। ये अगर मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो, ठीक है। एक लास्ट पार्ट है, वो ये है कि अगर हमने प्रॉपर देख लिया, मिक्स देख लिया, अगर इम्प्रॉपर दिया हुआ हो तो क्या करेंगे। इम्प्रॉपर का मतलब होता है दैट द न्यूमरेटर इज ग्रेटर दैन द डिनोमिनेटर, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें कि लेट्स से सेवन बाई थ्री, अभी प्रॉपर नहीं है, यहाँ पर न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो पहले क्या करेंगे, हम इसे कन्वर्ट करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में, कितना आएगा, छः होगा, इसको डिवाइड कर लेंगे, कितना क्वेश्चन आएगा, टू, रिमाइंडर वन और बाई डिवाइजर थ्री, ठीक है। तो हमने क्या किया कि इम्प्रॉपर को कन्वर्ट किया इसमें मिक्स फ्रैक्शन में, अब क्या हो गया, टू होल नंबर है और वन बाई थ्री साथ में, जो वो क्या बन गया, प्रॉपर बन गया। तो कभी भी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे, रियल नंबर लाइन पे, तो हम लोग ध्यान रखते हैं कि वो प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। अब ये टू होल वन बाई थ्री कैसे होगा, ये हम लोग ऑलरेडी लास्ट क्वेश्चन में देख चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर दिया हुआ हो लेट से माइनस एट बाई फाइव, अगेन माइनस शो कर रहा है कि जीरो के लेफ्ट साइड में लाई करेगा। एट बाई फाइव इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो पहले इसे हम कन्वर्ट करेंगे, माइनस रहना तो इसको ऐसे ही, ये क्या बनेगा, वन होल थ्री बाई फाइव, ठीक है। माइनस एट बाई फाइव इज नथिंग बट माइनस वन होल थ्री बाई फाइव, तो सेम तरीका है, कैसे करते हैं, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, माइनस वन से, तो माइनस वन पहले पहुँच जाओ, माइनस वन से शुरू करना है हमें। अब माइनस वन के बाद जो नंबर आएगा वो और उसके अगले वाले इंटीजर के बीच में लाई करेगा, और कितना है, थ्री बाई फाइव, दैट मीन फाइव पार्ट करेंगे, वन टू थ्री फोर। पहला पार्ट क्या होगा, माइनस वन होल वन बाई फाइव, सेकेंड पार्ट इज माइनस वन होल टू बाई फाइव, थर्ड पार्ट इज माइनस वन होल थ्री बाई फाइव एंड फोर्थ इज माइनस वन होल फोर बाई फाइव, इन विच माइनस वन होल थ्री बाई फाइव इज आवर आंसर। सिंपल है। तो अगर मुझे इम्प्रॉपर दिया होगा तो पहले उसे हम क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, और बाकी सारा मेरा वैसे बन जाएगा। सो लेट्स प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टू फाइंड द रेशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू गिवन रेशनल नंबर। बात यह है कि अगर मुझे दो रेशनल नंबर दिया हुआ है तो उन दो रेशनल नंबर के बीच में जितना भी रेशनल नंबर पूछा जाए वो हमें फाइंड करना है। लेकिन जो मेन बात है वो ये है कि देयर विल बी इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स, देयर विल बी इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स लाइंग बिटवीन
टू रेशनल नंबर्स। क्या कहा इसने कि दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर लाई करेंगे। क्यों? लेट्स से हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि टू एंड थ्री आल्सो रेशनल नंबर। टू एंड थ्री के बीच में कितने रेशनल नंबर होंगे? रेशनल नंबर का मतलब होता है कि वो सारे फ्रैक्शन जिसकी वैल्यू उन दोनों के बीच में आ जाए, डेसिमल वैल्यू। या कह सकते हो कि अगर मैंने बोला कि टू और थ्री, इनके बीच में क्या क्या आ सकता है? 2.1, 2.11, 2.111, 2.123। इस तरीके से जितने भी केस बन जाएंगे इनफाइनाइट नंबर ऑफ, ये सारे क्या हैं? रेशनल नंबर है। मैंने पहले बताया था जो टर्मिनेट करता है वो भी रेशनल नंबर होता है, और इसके बीच में ये भी हो सकता है ना, 2.14, 14, 14, ... नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग भी होता जा रहा है। तो दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स होते हैं, ये पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हमसे क्वेश्चन में पूछता है वो कि दो रेशनल नंबर दे देगा, बोलेगा कि यू हैव टू फाइंड द थ्री रेशनल नंबर, फोर रेशनल नंबर, फाइव रेशनल नंबर बिटवीन द टू गिवन रेशनल नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल, लेट एक्स एंड वाई बी टू रेशनल नंबर्स, ठीक है। एक्स और वाई मेरे पास दो रेशनल नंबर हैं। अब करना क्या है, इन दोनों रेशनल नंबर के बीच में मान लो कि मुझे एक रेशनल नंबर फाइंड करना है, ठीक है। दो रेशनल नंबर के बीच में मुझे कोई एक रेशनल नंबर फाइंड करना है। अभी एक के बारे में बात करते हैं, तो कैसे निकलेगा? रेशनल नंबर बिटवीन एक्स एंड वाई कैसे निकाल लेंगे? हमें पता है ऑलरेडी दैट अगर दो नंबर दिया है मेरे पास, दोनों नंबर के मिडिल नंबर निकालना हो तो हम क्या करते हैं, दोनों नंबर को ऐड करते हैं, डिवाइड बाय टू कर देते हैं। दैट मीन्स हमने मीन निकाल लिया, एवरेज। एवरेज कहाँ लाई करता है? एवरेज दोनों नंबर के बीच में लाई करता है। तो उसको यहाँ पर लेके चलते हैं हम लोग, तो क्या बन जाएगा? एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई टू। x और y दो नंबर थे मेरे पास, दो रेशनल नंबर है, दोनों को ऐड करके डिवाइड टू करेंगे तो हमें इन दोनों नंबर का एवरेज मिल जाएगा। और एवरेज कहाँ लाई करता है? दोनों नंबर के एकदम मिडिल में, बीच में लाई करता है एवरेज। तो अब बीच में लाई कर रहा है तो बीच में वो रेशनल नंबर तो होगा ही होगा। तो x प्लस वाई बाई टू किया हमने, तो हमें उन दोनों नंबर के बीच का एक रेशनल नंबर फाइंड हो गया। अभी हम लोग एक के बारे में बात कर रहे हैं, इस तरह से और भी देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर बोला गया दैट फाइंड ए रेशनल नंबर बिटवीन फोर एंड फाइव, फोर और फाइव रेशनल नंबर है, हमें पता है इन दोनों के बीच में हमें एक रेशनल नंबर फाइंड करना है। कैसे करेंगे? फोर प्लस फाइव डिवाइड बाई टू, हाउ मच? नाइन बाई टू। या तो फ्रैक्शन में छोड़ दो और या तो लिख लो 4.5। फोर कहाँ लाके रहेगा 4.5? फोर और फाइव के मिडिल में। तो अगर एक निकालना होगा तो बड़ा आसान है, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई टू कर देंगे तो हमें एक रेशनल नंबर मिल जाएगा। अब वो दो नंबर कोई भी हो, प्लस में, माइनस में, एनीथिंग, रेशनल नंबर है तो दोनों को ऐड करके टू से डिवाइड कर दो, मेरा एक रेशनल नंबर। वो रेशनल नंबर बेसिकली वो एवरेज है, बीच का नंबर हमें मिल गया। जैसे फोर और फाइव क्या आ गया? फोर प्लस फाइव डिवाइड बाई टू, नाइन बाई टू, नथिंग बट 4.5 लाई करेगा इन दोनों के बीच में। ये तो कहानी था एक रेशनल नंबर का। अगर हमें और निकालना हो 2, 3, 4, 5, 6 तब कैसे करेंगे, देखते हैं। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड फोर रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 दो रेशनल नंबर तो है ना। क्यों रेशनल नंबर है? बिकॉज 3 by 1, 4 by 1 रेशनल नंबर है। इनके बीच में हमें 4 रेशनल नंबर निकालना है। निकालना कितना भी निकाल सकते हैं, 6, 7, 8, 9, 10 जितना चाहे उतना हम निकाल सकते हैं। इसको अभी हम देखेंगे दो मेथड से। पहला मेथड जो हमने अभी पढ़ा था, क्या पढ़ा था पहले मेथड में हमने पढ़ा पहले कि इसका हम एवरेज निकाल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लो कि ये हमारे पास 3 है और ये हमारे पास 4 है। मुझे कितना चाहिए? मुझे चाहिए 4 रेशनल नंबर, 1, 2, 3, 4। पहले क्या करते हैं हम लोग, पहले हम इन दोनों के बीच का निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगा? फर्स्ट रेशनल नंबर कैसे आएगा? 3 + 4 डिवाइडेड बाई 2, हाउ मच? That is 4 + 3, 7 by 2, ठीक है। तो 7 by 2 मेरा इन दोनों के बीच में तो लाई करेगा हमेशा, वो तो पक्की बात है।
नेक्स्ट अगर हमें निकालना है सेकेंड रेशनल नंबर, अब कैसे निकालेंगे, ये तो इन दोनों का एवरेज आ गया। अब थोड़ा सा हम लोग लॉजिक लाएंगे, ये बोलेंगे कि जब हमें ये एक नंबर मिल गया है, अगर हम इस रेशनल नंबर और इस रेशनल नंबर का एवरेज निकालें तो कहाँ लाई करेगा, तो इन दोनों के बीच में लाई करेगा, और यहाँ लाई करने का मतलब इन दोनों के बीच में आ गया। 7/2 और 3/2 दो रेशनल नंबर है, अगर इनका एवरेज निकाला जाए तो यहाँ पर लाई करेगा, यहाँ पर लाई करने का मतलब क्या हुआ, दोनों के बीच में तो है। तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट में कि सेकेंड रेशनल नंबर जो है हम लोग निकाल लेंगे, कैसे, 3 और 7/2 के बीच में निकालना है, दैट मीन्स 3 + 7/2 का एवरेज, सेम मेथड है, ठीक है। अब ऐड कर लो, ऊपर में क्या आएगा, 2 × 3 = 6, 6 + 1 = 7, 13/2 होल डिवाइडेड बाय, दैट मीन्स 13/4, ठीक है। तो 13/4 कहाँ लाई करेगा, 3 और 7/2 के बीच में, 13/4। और जब भी इस तरह क्वेश्चन बनाओ तो पहले इस तरह से दो रेशनल नंबर लिख लो और उसके अंदर ये लिखते जाओ, क्योंकि फिर बाद में अगर ये नहीं लिखने पर बाद में आइडिया लग नहीं पाया कि कौन से किसके बीच में लाई कर रहा है, तो बेटर ये है कि जो आता जा रहा है वो उसको हम पुट करते जाएंगे, ठीक है। अब मान लो कि निकालना है हमें थर्ड रेशनल नंबर, आप कहीं भी निकाल लो, इन दोनों के बीच में निकाल लो, इन दोनों के बीच में निकाल लो, इन दोनों के बीच में निकाल लो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग 7/2 और 4 के बीच में निकालते हैं, तो आएगा कहाँ लाई करेगा, यहाँ पर लाई करेगा, हाउ मच, 7/2 + 4 दो नंबर हो गया, होल डिवाइड बाई 2 एवरेज कितना आएगा, 2 × 4 = 8, 2 × 4 = 8, 8 + 7 = 15 बाई 2 होल डिवाइड बाई 2, दैट मीन्स 15/4, ठीक है। तो 15/4 कहाँ लाई करेगा, 7/2 और 4 के बीच में, 15/4, ठीक है। अब इस तरीके से हम जितना चाहें इनफिनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। लास्ट वन, दैट इज फोर्थ रेशनल नंबर। अब कोई भी नंबर ले लो, इन दोनों को ले लो, इन दोनों को, इन दोनों को, इन दोनों को, कुछ भी ले लो, लेट्स से हम लोग इन दोनों को लेते हैं, क्या है वो, 3 + 13/4 दो नंबर हो गया, होल डिवाइड बाई 2 एवरेज कितना आएगा, 4 × 3 = 12 और 12 + 13 = 25/4 होल डिवाइड बाई 2, दैट मीन्स 25/8, 25/8 यहाँ पर मेरा लाई कर गया, ठीक है। तो मुझे 4 और 3, 3 और 4 के बीच में 1, 2, 3, 4 चार रेशनल नंबर मिल गया। अब जितना भी निकालने बोलेगा वो हम निकाल सकते हैं, ये अगर फ्रैक्शन में दिया हुआ हो तो सेम तरीके से निकलेगा, ठीक है। नाउ एट लास्ट देयरफॉर वी कैन राइट एज 25/8, 13/4, 7/2 एंड 15/4 आर द रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 और 4, ठीक है। ये चारों हमारा इन दोनों के बीच में रेशनल नंबर फाइंड हो गया। अब ये चाहे इंटीजर दिया हुआ हो और चाहे फ्रैक्शन में दिया हुआ हो, सेम मेथड अप्लाई करके, बस ध्यान ये रखना कि इस तरीके से लिखना, ताकि मुझे पता चल जाए पहले ही कि कहाँ कहाँ नंबर लाई कर रहा है। अगर ये नहीं लिखेंगे तो हम बता नहीं पाएंगे, बता देंगे लेकिन थोड़ा कॉम्प्लेक्स वे हो जाएगा बताने का, तो बेटर ये है कि लिखते जाओ कहाँ कहाँ जो लाई कर रहा है वो, ठीक है। सो जो हमने अभी मेथड पढ़ा है वही हमें मेथड हमारे सिलेबस में है, इसके अलावा और भी मेथड है लेकिन वो हमें नहीं पढ़ना है। लेकिन एक मेथड मैं बता दूंगा अभी, जैसे 3 और 4 के बीच में लाई करना है ना, कितने रेशनल नंबर निकालना है, लेट से 4 रेशनल नंबर, इसको एज्यूम कर लेते हैं दैट n इज इक्वल टू 4, n मीन्स द टोटल नंबर ऑफ रेशनल नंबर वी हैव टू फाइंड, तो n वो हो गया कितने नंबर रेशनल नंबर हैं, 4 है। इसमें क्या करो कि n प्लस 1 कर लो, कितना आएगा, 4 + 1 = 5, एन प्लस 1 जो नंबर मेरे पास आया है, क्या किया जाए अब कि जो दो रेशनल नंबर मुझे दिया हुआ 3 और 4, उसमें मुझे पता है किसी भी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड हम लोग कर सकते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, जो n की वैल्यू है उसका n प्लस 1 निकाल कर दोनों में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट मीन्स 3 में क्या करेंगे, 3 × 5/5, तो ऊपर नीचे दोनों में क्या किया हमने, 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, कितना आ गया ये, 15/5। सेम तरीके से करते हैं 4 में, वहां पर क्या आएगा, 4 × 5/5 कितना आ गया, 20/5।
अब इन दोनों रेशनल नंबर को ध्यान से देखो, इन दोनों रेशनल नंबर में क्या क्या है, 15 बाई 5 है और 20 बाई 5, 15 बाई 5 एंड 20 बाई 5, दोनों रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, दोनों रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो सब कुछ डिपेंड करता है न्यूमिनेटर पे, ऊपर में क्या है 15, यहां पर क्या है 20, तो इसके बाद रेशनल नंबर कौन सा आएगा, कौन सा आएगा 16 बाई 5, उसके बाद 17 बाई 5, देन 18 बाई 5 एंड देन 19 बाई 5। तो 1, 2, 3, 4 चार रेशनल नंबर आ गया जो कि हमेशा इन दोनों के बीच में लाई करेगा। तो एलसीएम के एलसीएम से भी हम लोग शॉर्टकट यूज कर सकते हैं, ये हमें इनिशियटिव नहीं पढ़ना है, बट ये इस तरह से भी सॉल्व है, कोई रॉन्ग नहीं है, गलत नहीं है, सही है। ये भी हमने क्या किया, जितने नंबर ऑफ रेशनल नंबर निकालना था उसमें 1 ऐड करके दोनों ही रेशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया। जब मल्टीप्लाई कर दिया हमें इजीली दिख गया कि दोनों का डिनोमिनेटर क्या हो गया, सेम। तो न्यूमरेटर के 15 20 के बीच में कौन कौन सा आ रहा है उसको लिख दिया हमने, 15 बाई 5 था तो 16 बाई 5, 17 बाई 5, 18 बाई 5, 19 बाई 5 और 20 बाई 5 ऑलरेडी है, ठीक है। तो ये इस तरीके से भी मेरा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी हैव टू फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 बाई 5 एंड 2 बाई 3। दो रेशनल नंबर दिया हुआ, इन दोनों के बीच में हमें 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है। एलसीएम से भी निकल जाएगा, लेकिन जो हमारा मेन मेथड है वो वही है x प्लस वाई बाई 2 वाला। तो अगर हमें निकालना है 3 बाई 5 एंड 2 बाई 3 के बीच में, पहले इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, जो भी आएगा यहाँ पुट करते जाएंगे। पहला रेशनल नंबर, फर्स्ट रेशनल नंबर, क्या करेंगे इन दोनों का एवरेज निकाल दें, व्हाट 3 बाई 5 प्लस 2 बाई 3 होल डिवाइड बाई 2, कितना आएगा ऊपर में, एलसीएम आएगा 15 और ये बन जाएगा 9 और प्लस 10 डिवाइड बाई 2, दैट इज 19 बाई 30। कहाँ लाई करेगा, बीच में 19 बाई 30। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सेकेंड रेशनल नंबर क्या होगा, अब कोई भी दो ले लो, लेट्स से हमने इसको और इसको ले लेते हैं, क्या होगा 3 बाई 5 प्लस 19 बाई 30 होल डिवाइड बाई 2, एलसीएम कितना आएगा ऊपर में 30, हाउ मच 18 प्लस 19 होल डिवाइड बाई 2, कितना आएगा 37 बाई 60, ठीक है। ये कहाँ यहाँ कहाँ लिखाएगा, इन दोनों के बीच में 37 बाई 60। थर्ड रेशनल नंबर कहाँ लाई करेगा, लेट्स से इन दोनों को हमने ले लिया 19 बाई 30 एंड 2 बाई 3, तो क्या होगा 19 बाई 30 प्लस 2 बाई 3 होल डिवाइड बाई 2, एलसीएम कितना आएगा 30, क्या बचेगा यहाँ पर 19 और प्लस 20 होल डिवाइड बाई 2, ठीक है। ऊपर कितना बचा 39 बाई 60, यहाँ वाला करेगा 39 बाई 60। अब फोर्थ निकालना है, इन दोनों को ले लो, इन दोनों को ले लो, कुछ भी ले लो, लाइक फोर्थ मान लो कि हमने फर्स्ट दोनों लिया, कितना है 3 बाई 5 प्लस 37 बाई 60 होल डिवाइड बाई 2, एलसीएम कितना आएगा ऊपर में 60, कितना हो गया 36 प्लस 37 बाई 2, ठीक है, कितना आएगा 30, 60, 73 बाई 120, वहां पर नोट कर देंगे हम 73 बाई 120। इस तरीके से फिफ्थ निकाल लेंगे और पांचों हमारा इसमें लाई कर जाएगा। एक तो ये मेथड हुआ कि ये हमें यही हमारा मेथड जो एनसीईआरटी में हमें पढ़ना है मेन मेथड। इसके अलावा हम लोग चाहे तो एलसीएम से भी यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं, वो एक शॉर्टकट है, बट उसको कभी भी एग्जाम में आएगा तो उसको यूज़ नहीं करेंगे हम, यूज़ करेंगे इसी को, एवरेज वाले को, एक्स प्लस वाई बाई टू वाले को, ठीक है। सो सेकेंड मेथड इज टू फाइंड विद द हेल्प ऑफ एलसीएम। एलसीएम में वहाँ पर क्या किया था हमने, एन प्लस वन कर दिया था, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्यों कर रहे हैं, ताकि हम हमारा जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो जाए। तो इस फ्रैक्शन के लिए क्या करेंगे, सेम के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे किसका, 5 और 3 का, कितना आएगा 15, और हम चाहेंगे दोनों का मेरा जो डिनोमिनेटर वो क्या बन जाए, 15 बन जाए। ये कैसे बनेगा, 3 बाई 5 इंटू हमें
ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये तब हमारा 15 बन जाएगा पहले का। क्या आ जाएगा? 9 बाई 15। सेकेंड केस क्या है? 2 बाई 3। यहाँ पर कैसे बनेगा 15? जब हम लोग यहाँ नीचे में डिनोमिनेटर में 5 मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर करेंगे डिनोमिनेटर में तो न्यूमिनेटर में भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना आएगा? 10 बाई 15। तो यहाँ पर दिख रहा है कि 9 बाई 15 आया, और यहाँ पर कितना है? 10 बाई 15। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर दोनों के बीच में तो कुछ गैप तो मिला ही नहीं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि हम लोग और ऐसा कोई नंबर लेंगे जिसको मल्टीप्लाई और नंबर बढ़ाएंगे, ताकि मेरा जो डिनोमिनेटर है वो मेरा सेम आ जाए, ठीक है। और अगर मेरा इस तरह से सेम नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे, अपने पहले मेथड से हम लोग निकाल कर बना सकते हैं। या तो काम करो, n प्लस वन कर दो, 5 प्लस 1 6 हो जाएगा। तो दोनों का बल क्या बना ले हम लोग? 6 बना लेते हैं। 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर क्या बन जाएगा? 18 बाई 30, और दूसरे में क्या बचेगा? 12 बाई 18। अब एलसीएम निकाल के मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर और बड़ा बन जाएगा, ठीक है। तो एलसीएम वाला कभी इजी पड़ता है, कभी टफ पड़ता है, तो इससे बेटर है कि हम लोग अपना x प्लस वाई बाई टू वाले को ही यूज़ करें। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग और इसका रेशनल नंबर और देखेंगे क्या करना है उसमें, और इरेशनल नंबर को भी हम लोग फाइंड करेंगे दो रेशनल नंबर के बीच में, ठीक है। सो इफ यू लाइक टुडेस लेक्चर, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर and hit the bell icon to get the notification of the next lecture. So for today, thank you.